गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स सो हम कोरिलेशन का का मैन रैंक कोरिलेशन मेथड कर रहे थे उसका हमने फर्स्ट केस कर लिया था व्हेन रैंक्स आर गिवन अब नेक्स्ट केस करना है जब हमें रैंक्स ना गिवन हो वे रैंक्स आर नॉट गिवन जैसे कि ये एग्जांपल है इसको बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है फाइंड द रैंक को रिलेशन कॉफिशियन फॉर द फॉलोइंग डाटा ऑफ मार्क्स ऑफ टेंड बाई टेन स्टूडेंट्स इन मैथेमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स यानी कि हमें डाटा गिवन है टेन स्टूडेंट्स का मैथेमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स के मार्क्स हमें गिवन है ठीक है अब हमने पहले इनको रैंकिंग देनी है देन इसके बाद जो हमने फॉर्मूला किया था उसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ठीक है जैसे स्टूडेंट्स टेन स्टूडेंट्स हैं उनके रोल नंबर हमें गिवन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन देन इसके बाद इनके मार्क्स की वन है हमें मार्क्स मैथमेटिक्स के और स्टेटिस्टिक्स के तो हमने सोल्यूशन लिखने के लिए पहले क्या करना है मार्क्स मैथ्स के लिख लेने इधर और स्टेटिस्टिक्स के लिख लेने यहाँ पे ठीक है जो मैथ्स के मार्क्स होंगे उसको हमने एक्स एक्सज्यूम करना है और जो स्टेटस्टिक्स के मार्क्स होंगे उनको हमने वाई एज्यूम करना है ठीक है तो मार्क्स हमने क्वेश्चन से नोट डाउन कर लिए देन उसके बाद हमने क्या करना है इनको रैंक देना है अब रैंक कैसे देंगे हमने फर्स्ट रैंक उसको देना है जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं ठीक है अगर यहाँ से हम देखें तो हाईएस्ट कौन सा है नाइन्टी फाइव तो नाइन्टी फाइव को हम क्या करेंगे फर्स्ट रैंक दे देंगे देन इसके बाद क्या करना है सो so, हमने नाइन्टी फाइव को फर्स्ट रैंक दे दिया देन इसके बाद हमने देखना है नाइन्टी फ़ाइव से लोएस्ट कौन सा है नाइन्टी फाइव के बाद क्या आता है नाइन्टी टू तो इसको हमने सेकेंड रैंक दे दिया इसके बाद नाइन्टी वन से छोटा क्या है एटी फोर एटी फोर को हमने थर्ड रैंक दे दिया इसी तरह से एट्टी को हमने फोर्थ रैंक दे दिया यानी कि हमने इसी तरह करते करते रैंक दे दिया देन फिफ्थ रैंक किसको मिला है सेवेंटी फोर को फिर सेवेंटी फ़ोर से छोटा क्या है सिक्सटी सिक्स इसको सिक्स रैंक दे दिया देन सिक्सटी सिक्स के बाद छोटा क्या है सेवंथ रैंक uh, दे दिया सिक्सटी को देन फोटी को एट्थ रैंक दे दिया थर्टी एट को नाइंथ रैंक दे दिया एंड थर्टीथ को टेंथ रैंक दे दिया सो so, टेंटूडेंट से टेंथ स्टूडेंट्स को हमने रैंकिंग कर दी स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स अब देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली रैंकिंग देखते हैं फर्स्ट सबसे बड़ा क्या है नाइन्टी टू नाइन्टी टू को वन रैंक दे दिया नाइन्टी टू से छोटा अगर हम देखें तो ऐटी एट एटी एट को टू रैंक दे दिया इससे एटी एट से छोटा क्या है एटी फाइव एटी फाइव को थ्री रैंक दे दिया थर्ड रैंक देन इसके बाद अगर देखें तो सेवेंटी छोटा है सेवनटी को फोर्थ रैंक दे दिया देन सिक्सटी फाइव को फिफ्थ रैंक दे दिया देन सिक्स रैंक किसको मिला है फिफ्टी एट को देन सेवन्थ किसको मिला है फिफ्टी सिक्स मार्क्स को देन उसके बाद फिफ्टी टू को एट्थ रैंक देन नाइन फिफ्टी नाइन को नाइन्थ रैंक देन फोर्टी सिक्स को टेंथ रैंक ठीक है तो इसी तरह से हमने रैंकिंग कर दी है स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स की ठीक है अब हमने क्या करना है ये रैंक है रैंक को डी वन मान लेना जो फर्स्ट मैथ्स के रैंक है उनको डी वन मान लेना और जो रैंक स्टैटिस्टिक्स के रैंक है उनको डी टू मान लेना ठीक है अब हमने क्या करना है डी वन और डी टू का जो है डिफरेंस लेना है ठीक है जैसे कि जो हमने रैंकिंग की है मैथ्स की और स्टैटिस्टिक्स की इनका जो डिफरेंस आएगा हमने वो लेना है उसको हम क्या कहेंगे डी डी इक्वल्स टू डी वन माइनस डी टू तो कितना आया है फोर माइनस थ्री कितना बना वन नाइन माइनस नाइन कितना बना ज़ीरो वन माइनस वन कितना बना जीरो टेन माइनस सिक्स कितना बना फोर इसी तरह से अगर हम बात करें फाइव माइनस फोर वन थ्री माइनस फाइव माइनस टू क्योंकि माइन थ्री माइनस फाइव है सो माइनस जो है वो बड़ी आ, बड़ी वैल्यू के साथ है सो so इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस टू इसी तरह टू माइनस टू जीरो बन गया देन सेवन माइनस सेवन जीरो सिक्स माइनस एट अब सिक्स माइनस एट है यहाँ पे माइनस टू आएगा क्योंकि जो है एट के साथ जो है नेगेटिव साइन है सो so इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है सो so इसलिए हम यहाँ पर माइनस आएगा इसी तरह एट माइनस में माइनस अब हमारे पास डी निकल आया है अब हमने क्या करना है कोश फॉर्मूला हमारा क्या था वैसे बेसिकली वन माइनस सिक्स समेसन ऑफ डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन अब हमें डी का स्क्वायर चाहिए तो हमारे पास डी तो आ गया है अब हमने इसका स्क्वायर भी तो लेना है क्योंकि फॉर्मूले में ये गिवन है सो so, इसलिए वन का स्क्वायर वन जीरो का जीरो ज़ीरो देन फोर का यहाँ पे सिक्सटीन आएगा फोर का स्क्वायर सिक्सटीन आएगा यहाँ पे ठीक है देन इसके बाद वन का स्क्वायर वन माइनस टू का स्क्वायर फोर देन जीरो का ज़ीरो जीरो का ज़ीरो माइनस टू का स्क्वायर फोर बनता है इसी तरह माइनस फोर का टू का स्क्वायर फोर बनता है ठीक है तो हमने डी स्क्वायर निकाल लिया डी स्क्वायर जब हमने निकाल लिया तो फिर हमने क्या करना है यहाँ पे इसका टोटल करना है ठीक है ये सिक्सटीन था सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन प्लस वन एटीन एटीन प्लस फोर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स प्लस फोर थर्टी तो हमारा जो डी का स्क्वायर है वो कितना बन गया थर्टी तो फॉर्मूला क्या था वन माइनस सिक्स डी स्क्र वन माइनस सिक्स यहाँ पे डॉट डाला हुआ इन टू को यहाँ पे डॉट बोलते ठीक है डी का स्क्वायर कितना थर्टी तो थर्टी को हमने सिक्स से मल्टीप्लाई किया देन हमारे पास कितना आया वन एटी इसी तरह एन हमारे पास कितना था नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे टेन तो हमने क्या किया टेन का क्यूब कितना बना वन थाउजेंड ठीक है इसी तरह माइनस एन किया टेन वन थाउजेंड में से टेन हमने माइनस किया तो कितना बना हमारे पास नाइन नाइन्टी ठीक है नाइन नाइन्टी अब हमारे पास आ गया देन वन एट्टी भी आ गया वन एट्टी को जब हम नाइन नाइन्टी से कट करेंगे देन हमारे पास कितना आएगा नाइन टू जेर एटीन नाइन वन यानी कि टू बाई इलेवन बन गया ठीक है देन वन में से टू बाई इलेवन को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आता है नाइन बाई इलेवन जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीरो पॉइंट एट वन एट सो हमारा रैंक को से स्पीयर्समैन मेथड से जब हमें रैंक्स नहीं गिवन होंगे उस केस में क्वेश्चन कैसे निकालना है वो हमने निकाल लिया है हमारा आंसर कितना आ गया है कोरिलेशन का कोफ़िशेंट ऑफ कोरिलेशन का जीरो पॉइंट एट वन एट सो so, इसी तरीके से हमने जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ठीक है एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना रैंक को रिलेशन की दोनों केसेस की वैन रै, एक्चुअल रैंक्स आर गिवन और नॉट गिवन अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना ठीक है सो so, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है सो so, थैंक यू क्लास